नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सियाल और मेरे साथ है संजय पालीवाल और आप देख रहे हैं आईपीएल पे चर्चा। और आज हम जिस टीम के बारे में बात करेंगे वो है चेन्नई सुपर किंग्स। ये टीम 3 बार आईपीएल का खिताब जीत चुकी है और जब जब ये टीम खेली है तब तब इसने अपना प्लेऑफ में नाम शामिल किया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इनका स्क्वाड। सीएसके के स्क्वाड की बात करें तो इनके पास सबसे बड़ा नाम है महेंद्र सिंह धोनी और शेन वॉटसन, फाफ डू प्लेसी, ड्वेन ब्रावो जैसे ओवरसीज प्लेयर्स भी हैं इनके पास। मैं बताना चाहूँगा हरभजन सिंह और सुरेश रैना इस बार स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे पर्सनल रीजंस की वजह से, मगर अंबाती रायडू, पीयूष चावला जैसे प्लेयर्स हैं इनके पास जो उनकी कमी खलने नहीं देंगे। सीएसके का सबसे बड़ा फायदा और सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है कि ये कम चेंजेस में बिलीव करते हैं और जिस प्रकार आईपीएल यूएई में हो रहा है इनके पास सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं। अब ओपनिंग की बात करें तो 4 प्लेयर नजर आ रहे हैं, फाफ डुप्लेसी, शेन वॉटसन, अंबाती रायडू और मुरली विजय। जहां तक मुझे लगता है धोनी, फाफ डुप्लेसी और शेन वॉटसन के साथ जाना चाहेंगे और अंबाती रायडू सुरेश रैना की जगह खेलेंगे फर्स्ट डाउन पे। मुरली विजय एज अ बैकअप ओपनर का काम करेंगे इस टीम के लिए क्योंकि शेन वॉटसन और फाफ डुप्लेसी पहले भी खेल चुके हैं सीएसके के लिए एज एन ओपनिंग प्लेयर और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंसेस दी हैं इन्होंने। बैटिंग ऑर्डर की बात करें तो इनके पास महेंद्र सिंह धोनी है, ड्वेन ब्रावो है, केदार जाधव है, जडेजा है, सैम कुरन है, काफी स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर है इनका। विशाल, सुरेश रैना नहीं है इस बार टीम में तो मैं चाहता हूँ एमएस धोनी नंबर 3 पर खेले क्योंकि फिनिशर्स तो बहुत है इनके पास, जडेजा है, अगर सैम करन और ड्वेन ब्रावो दोनों खेलते हैं तब भी इनके पास फिनिशर्स बहुत हैं। उसके अलावा अगर आपको मिडल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग ही करना है तो केदार जाधव 4 पे खेल सकते हैं, राइडू भी खेल सकते हैं, तो धोनी नंबर 3 पर खेले तो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा इस बार। सीएसके की बॉलिंग की बात करें तो वो मुझे काफी एक्सपीरियंस और बैलेंस नजर आ रही है। इनके पास तेज गेंदबाजी संभालने के लिए ड्वेन ब्रावो है, सैम कुरन है, दीपक चहर है, शार्दुल ठाकुर है और काफी और प्लेयर्स हैं। और स्पिनर्स की बात करें तो उसमें इमरान ताहिर, पीयूष चावला की एंट्री हुई है, वो काफी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, रविंद्र जडेजा हैं, केदार जाधव हैं, मिचेल सैंडर हैं, करण शर्मा हैं। विशाल, देखा जाए तो इनके पास लुंगी, एनगीडी भी है, जॉस हेजलवुड भी है, ऑप्शंस तो बहुत है इनके पास। और जो स्पिन अटैक है इनका सबसे खतरनाक स्पिन अटैक नजर आ रहा है और मैं बताना चाहूंगा हरभजन सिंह है नहीं अभी, फिर भी ये बहुत खतरनाक स्पिन अटैक है क्योंकि इनके पास हल्का बैकअप मौजूद है ना। आप देखिए अगर इमरान ताहिर नहीं है तो पीयूष चावला खेलेंगे, पीयूष चावला नहीं खेलते तो करण शर्मा खेलेंगे। और पेस बॉलिंग की बात करें तो इनके पास दीपक चाहर है जो नई गेंद से गेंदबाजी करेंगे और ड्वेन ब्रावो है जो आपको मिडल ओवर्स में विकेट दिलाएंगे और लुंगी एनगीडी जो पिछले साल नहीं खेल पाए थे इस बार बॉलिंग अटैक में शामिल हुए, जॉस हेजलवुड है, उसके अलावा सैम कुरन है ऑलराउंडर के तौर पर, तो देखिए ड्वेन ब्रावो का रिप्लेसमेंट भी बैठा है सैम कुरन। अब देखते हैं इनमें से कौन सा बॉलर खेलता है प्लेइंग 11 में और किसके साथ धोनी जाना चाहेंगे। इनकी स्ट्रेंथ की बात करें तो वो मुझे लगता है इनके जो वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं वो काफी एक्सपीरियंस हैं तो वो इनकी स्ट्रेंथ हो सकते हैं। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनर और फिनिशर्स का मौजूदगी इस टीम में, एक के बाद एक बैकअप है इनके पास फिनिशर्स का। ड्वेन ब्रावो नहीं खेलते तो सैम कुरन खेलेंगे और धोनी अगर 4 नंबर से आउट नहीं होते तो फिनिश वही करके जाएंगे। विशाल, सीएसके जैसी सफल टीम के मुझे तो कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही है। टीम कितनी भी कामयाब क्यों ना विशाल, कोई ना कोई कमजोरी तो रह जाती है। और रहा सीएसके का सवाल, जो मुझे उनका एरिया ऑफ कंसर्न लग रहा है वो डेथ बॉलिंग हो सकता है। उनके पास कोई ऐसा डेथ बॉलिंग स्पेशलिस्ट नहीं है जैसे मुंबई के पास बुमराह है, इनके पास अगर ऑप्शन है तो दीपक चाहर या ड्वेन ब्रावो, धोनी इन्हीं से ओवर निकलवा सकते हैं आखिर में। गेम चेंजिंग प्लेयर की बात करें तो इस टीम में काफी दिग्गज प्लेयर हैं जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी, ड्वेन ब्रावो, इमरान ताहिर, ये 3 मुझे बहुत सक्षम नाम लगते हैं इस टाइटल के लिए। ड्वेन ब्रावो की बात करें तो विशाल ये गेंदबाजी से लेके बल्लेबाजी तक पूरा दोनों का योगदान देगा टीम को। उसके अलावा प्रीवियस रिकॉर्ड्स देखें तो चेन्नई के लिए 2 बार पर्पल कैप विनर रह चुके हैं, मिडल ओवर में आपको विकेट निकाल के दे सकते हैं और एज अ फिनिशर का रोल भी अदा कर सकते हैं आपकी टीम के लिए जब जब जरूरत पड़े आपको, तो मेरे हिसाब से तो गेम चेंजिंग प्लेयर इस टीम के लिए ड्वेन ब्रावो ही होंगे। तो आइए नजर डालते हैं इनके प्लेइंग 11 पे। पाफ डुप्लेसी, शेन वॉटसन ओपनिंग में, फर्स्ट डाउन अंबाती रायडू, एमएस धोनी, केदार जाधव, ड्वेन ब्रावो और बॉलिंग में रविंद्र जडेजा, इमरान ताहिर, पीयूष चावला, दीपक चाहर और शार्दुल ठाकुर। तो दोस्तों आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही और फिर मिलेंगे नई टीम के साथ और जाने से पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।